कट आज हम लेके हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 11। उसका फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे और जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए सबसे पहले आपको एक और नई चीज बताते हैं। हमारे पास एक एरिया है, एरिया क्या वेक्टर है या स्केलर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिया जो हमारे पास होती है क्या वो वेक्टर है या स्केलर है, एंड वॉल्यूम जो है वो क्या हमारे पास वेक्टर होता है या स्केलर होता है। तो एरिया क्या हमारे पास एक टू डायमेंशन ओपन सरफेस है। तो एरिया क्या रहने वाला है आपको, आपको नई चीज आपके लिए कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, भी बहुत बार इसको क्या कहते हैं हम बोलते हैं। ठीक है, जबकि वॉल्यूम क्या है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर आपका है। कैसे है चलिए समझते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक थ्री डायमेंशन आपके पास सरफेस लेता हूँ। ठीक, उसमें क्या है, मैं ये वाली चीज लेता हूँ, सपोज एक कोई रेक्टेंगल। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये है वाई एक्स और जेड, जेड कहाँ हुआ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये आपका सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर आप मैं क्वेश्चन करूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो नहीं है लगभग रेक्टेंगल जैसा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ O A B C, that area is, आपसे अगर जनरली पूछू तो क्या, 10th क्लास के किसी बच्चे से अगर मैं पूछू तो वो बोलेगा सर इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, that is A B into B C, that is length into breadth, breadth into length। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी 11th और 12th वाले बच्चे के साथ ये पूछू, से भी पूछू कि what is the area of that rectangle or this say A O A B C, तो वो क्या कहे उसको, क्या उसके तुरंत आंसर क्या रहना चाहिए, सर इसका जो जो भी इसका क्या होगा, इसका जो एरिया होगा क्या होगा, दैट इज वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर बी सी। ठीक, अब जैसे मैं क्या करूं, मेरे पास ये क्या है, ओपन सरफेस है। ठीक है, सरफेस है, तो इसके लिए अगर मैं इसके बोलूं कि भैया इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, तो आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक ये है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अब जब भी मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसकी जो ए क्रॉस ए बी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जस्ट ये होगी। इसका मतलब क्या है, या तो कहां को होगी, बाहर को होगी, या कहां को होगी, अंदर को होगी। ठीक है, और अगर यहां बोलू तो कहां को होगी, इसकी डायरेक्शन देखिए ये है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। या इसकी डायरेक्शन कहां होगी, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन या जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, वो किसकी होगी, इस प्लेन की। तो इसे ये पता चलता है हमें कि जो प्लेन है, ठीक है, टू डायमेंशनल स्पेस है, वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ए क्रॉस बी की। ठीक, अगर ऐसे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन रखूंगा तो इसकी जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी, मतलब या तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी या बाहर की तरफ होगी, इनवर्ड होगी। ठीक, तो जो एरिया है इसको मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर, दैट इज ए area, that is we know now that area is a vector quantity and the direction of a planar area vector is specified by the normal to the plane। ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या है, surface है, open surface है, ठीक है, two dimensional surface है, तो इसमें area का जो direction होगा क्या होगा, normal to the plane। ये देखिए एक इसके क्या होगा, इस surface के क्या होगा, normal, ये देखिए perpendicular होगा इसके, इस surface के क्या होगा, perpendicular। देखिए आप ऐसे देख सकते, ये surface है तो ये इसका क्या हो गया, perpendicular होगी। ठीक है, या एक इस डायरेक्शन होगा, ठीक है, या इस डायरेक्शन होगा इस एरिया नॉर्मल, सॉरी इसकी डायरेक्शन एक किसकी, इस एरिया वेक्टर की, या इस डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, आपको मैं एक और चीज बता दूं, जैसे ये 2D सरफेस है मेरे पास, ठीक है, प्लेन एक क्या है, 2D सरफेस है, तो इसके लिए मैंने बता दिया कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा ऐसी होगी या ऐसी होगी। ठीक है, सपोज मैं कोई 3D या क्लोज सरफेस लूं, जैसे ये मेरा क्या है, डब्बा है, बॉक्स है, 3D सरफेस, तो क्या होगा, इसमें जो भी सरफेस होगी, देखिए जैसे ये वाली सरफेस है, अपर सरफेस है, तो इसके जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, या तो ऊपर को होगी, ठीक है, या यहां से ऊपर को होगी, या यहां से नीचे को होगी, तो हम कौन सी वाली कंसीडर करते हैं हमेशा, जो इसके जस्ट का है, इनवर्ड, बाहर की, बाहर सॉरी आउटवर्ड की तरफ है, वही डायरेक्शन हम क्या करते हैं, किसमें, 3D डायमेंशन में इसको क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं। जबकि इसी सरफेस के जो नीचे वाली होगी, ये अगर मैं बोलूं कि ये इस सरफेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है,
इस सरफेस की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हम सिर्फ कौन सी डायरेक्शन को लेके चलेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन, या इस सरफेस की क्या होगी, इधर को होगी, ठीक है, एक इधर को होगी वाली नहीं लेंगे, जबकि एक फिर इस सरफेस की यहाँ को होगी वाली लेंगे, अंदर की तरफ होगी उसको नहीं लेंगे, इस सरफेस की जो नीचे वाला सरफेस है ये बाहर वाली को लेंगे, ठीक है, बाहर वाला सरफेस लेंगे लेकिन अंदर वाला नहीं, डायरेक्शन क्या लेंगे, इस सरफेस की वाली, ठीक है, ये 3D है ना। और वो बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो बेसिकली फ्लक्स का मतलब क्या है, इट इज सम काइंड ऑफ फ्लो, फ्लो भी कह सकते हैं आप इसको, फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्लक्स 11th में आपने पढ़ा है, तो फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, फ्लो, फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट इज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, अब मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे सपोज, ठीक है, ये क्या है, 2D सरफेस में मैंने बोला सपोज, ठीक है, तो क्या है ये, अब इसकी डायरेक्शन जो होगी या तो यहां को होगी या यहां को होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए ये है एक सरफेस है, इससे सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 1। सपोज इसी सरफेस से क्या हो रही है, देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 2। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे करूंगा, सो इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन वॉट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स अ फ्लो, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, फ्लो हो रही है या पास हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए ये मैंने भी एक बार और फिर मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर है, तो देखिए ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यहां से कहां जा रहा है, यहां से पास हो रहा है, ये ऐसे भी हो सकता है सपोज, ठीक है, या आपका देखिए दो है, दो लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द सरफेस ऑफ द प्लेन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतने से कितनी लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्योंकि घर पे है लॉकडाउन की वजह से, तो एक और अच्छे एग्जांपल अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे एक कॉम है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर सरफेस है, और आप देख रहे हैं कि ये जो इसको अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एज ए फील्ड लाइन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सरफेस से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली देखो ये ऐसे है और ये कैसे पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मली क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो अगर इसको मैं सरफेस मान लूं और इनको मैं क्या मान लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सपोज ये मेरे पास एक सरफेस था, ठीक है, बहुत सारी लाइन आई इससे पास हुई, एक दो ठीक है, अब आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया ये है ए, इसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1, 2, 3 ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 3। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है बेसिकली क्या होता है, 5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए क्या लिख देता हूं मैं इसको, 5E लिख देता हूं, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट 5E = कितना, 1, 2, 3। अगर सपोज यहां से 4 लाइन जा रही होती तो इसका फ्लक्स कितना हो जाता, 4, ठीक है। आप एक चीज और देखिए, जैसे जैसे क्या हो रहा है, लाइंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर यहां पे 3 लाइन की अगर मैं 4 बना दूं, 5 बना दूं, 6 बना दूं, 7 बना दूं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, अगर मान लो 4 हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जितना ज्यादा क्राउडेड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा हूं, मैं इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो फाई भी क्या होगा, दैट इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है, या मैग्नीट्यूड जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, फाई भी क्या हो रहा है, चेंज। तो अगर मैं रिलेशन बोलूं तो फाई क्या होगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई,
ठीक। अब मेरे पास एक छोटी सी एरिया थी, ठीक है, एक छोटी सी एरिया थी, इससे क्या कितने हो रहे थे, 1 2 3 पास हो रहे थे। अगर मैं इस एरिया को ही बढ़ा देता, इतना बड़ा कर देता, तो उससे कितनी पास होती, 1 2 3 4 5 6। तो एरिया बढ़ाने के साथ साथ फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, देखिए अब एरिया कम था, 5 3 था, एरिया बढ़ा दिया तो 1 2 3 4 5 6 सभी उसमें उसके थ्रू परपेंडिकुलर पास होंगी, तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर एरिया को इंक्रीज करूं, एरिया को इंक्रीज करो सरफेस एरिया को, तो फाइव भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फाइव ई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसके लिए जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, तो उसके लिए मैं देखा कि जो फाइव है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, एंड द फाइव इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर इनका रिलेशन देखो तो क्या हो जाएगा, फाइ ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये कब था, जब ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, सेम। तो अगर इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और क्या कर दिया, ये किया मैंने, एरिया वेक्टर। अब ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए। आप इसको एक स्मॉल एरिया भी ले सकते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया अगर मैं लूं तो उसको मैं डीए लिख सकता हूं, ठीक, या आप एरिया ले लें, ए ले लें, तो ए ले लें, कोई बात नहीं है, फॉर्मूला आपको पता करना है। तो देखिए ये डायरेक्शन है किसकी, इस डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे ना होगा, कैसे है, थोड़ा ऐसे है, ठीक है। तो अगर सपोज ये ई ए के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो ये क्या है, इसका रिजल्टेंस हो रहा है, तो उसको क्या कर सकता हूं, मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने जैसे इसको रिजॉल्व किया, ठीक है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब आप देखिए जो ई साइन थीटा है वो क्या है, जस्ट क्या है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और जो ई कॉस थीटा है उसकी डायरेक्शन सेम है एज एरिया वेक्टर की। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द फ्लक्स एयर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए तो जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया। तो ई का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, नॉर्मल का मतलब ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो वो क्या है, ई कॉस थीटा, और सरफेस एरिया क्या है, ए है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं फाई ई, तो दैट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इनटू ए, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ई ए कॉस थीटा, दैट इज फाई, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे कॉस आ रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, फाई ई इज इक्वल टू ए डॉट सॉरी ई डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला दैट इज ई ए कॉस थीटा, या फाइ इज इक्वल टू दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों साइन हमने ई साइन थीटा को कंसिडर क्यों नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन ही आपको बताया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एनी सरफेस, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, जबकि ये कैसे है, बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो इसको हम साइन थीटा को नहीं लेंगे। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट ए, ठीक है। और दूसरी चीज अगर इसकी यूनिट देखूं, तो यूनिट क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ई इंटू ए, या ई ए कॉस थीटा,
स्क्वायर, तो इसकी जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ठीक है। और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, एक प्लस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज वोल्ट मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो तो क्या हो गया, तो वोल्ट मीटर होगी या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। तो ये दोनों क्या होंगी इसकी, क्या होंगी, दैट इज SI, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बात किसके लिए, गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम ने हमें क्या दिया, रिलेशनशिप दिया इसके बीच, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उसने बोला कि अगर मेरे पास कोई क्यू चार्ज है तो उस क्यू चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। वो रिलेशन किसने दिया हमें, गॉस थ्योरम ने। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, देखिए, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है। एक सपोज मेरे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका क्या है, एक सरफेस के अंदर क्या है, बंद है, ठीक है। इस सरफेस को क्या बोला गया, बेसिकली क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस भी बोला गया इसको, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक। तो क्या बोला उसने, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। अगर किसी सरफेस ने, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कितना टोटल नेट चार्ज है, q, ठीक है। तो q अगर नेट चार्ज है तो जो उसका फ्लक्स होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसका, वो क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब उसने क्या बोला, जो phi e होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इसको क्या लिखता हूं, phi e इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक प्लस q चार्ज था, ठीक है, ये क्या है, एक क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक, जिसका एरिया क्या है, मैंने बोला s है, s इज द सरफेस, आप ये भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस सरफेस एरिया ये क्या है, 3D आपके पास क्या है, 3D थ्री डायमेंशन है, तो स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। और इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर इज, दैट इज प्लस q चार्ज, ठीक है। तो मैं इस स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट को लेता हूं, ठीक है, सपोज मैंने क्या लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो सपोज इसका जो एरिया है वो क्या है, ds है, ठीक, इसका जो एरिया क्या है वो ds है, ठीक है। ये आप देखो प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, प्लस क्यू के लिए बाहर को, ठीक है, तो हर जगह से जाएंगी, तो इसके लिए भी यहां से यहां की तो डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, r होगी, ठीक है। तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो डायरेक्शन होगी सीधे, ये हो गई, ठीक, ये हो गई। और यहां पे देख सकते हैं आप ds की भी डायरेक्शन यही है, ds की भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं क्या बनाना चाहूं, इसके लिए मैं अगर क्या निकालना चाहूं, फ्लक्स निकालना चाहूं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय, देयर इज अ क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए है, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ds, ठीक है, ई डॉट क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। ई डॉट ds होने का मतलब क्या है, अगर phi e equals to e dot ds लिखो, तो दूसरा तरीका क्या है गॉस थ्योरम लिखने का, कि phi equals to that क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds या e डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब यहां पे मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये कैसे, यहां तो दिख नहीं रहा एंगल जीरो है, तो यहां मैंने क्या कंसीडर कर लिया, e डॉट ds के बीच कितना एंगल बन रहा है, यहां पे सपोज थीटा एंगल बन रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, e डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कैसे करेंगे प्रूफ, सपोज से एक प्लस क्यू चार्ज है इनक्लोज बाय स्फीयर, एक क्लोज सरफेस ने उसको क्या किया है इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस सरफेस का कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये इसका एरिया क्या है डीएस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर होती है प्लस चार्ज के लिए बाहर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम वही है जो इसके बीच की है डीएस के बीच की डायरेक्शन है, ठीक। और ये सरफेस हो गया, तो इस सरफेस को मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस, एंड इसका जो सरफेस एरिया हो गया है मैंने क्या लिया है एस लिया है, और इस छोटे से स्मॉल सरफेस को मैंने बोल दिया डीएस, वेरी स्मॉल को हम किससे दिखाते हैं डी से दिखाते हैं। तो अगर एरिया पूरा डीएस है, सॉरी एरिया पूरा क्या है एस है, तो इसका स्मॉल एरिया होगा क्या होगा डीएस, तो ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट से इसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, या बेसिकली बोलू जो स्क्वायर है उसका जो रेडियस क्या है वो क्या है आर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या फॉर्म किसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे देखिए सिंस ई वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस या एरिया वेक्टर आर से आर इन सेम डायरेक्शन, मींस द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इज 0 degree, इसका मतलब क्या है थीटा क्या आ गया मेरे पास 0 degree आ गया। तो जो फ्लक्स है यहां पर ड्यू टू द स्मॉल एरिया वो कितना होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डीएस इज गिवन बाय फाइ इज इक्वल टू क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस का मतलब क्या है ई डीएस cos theta, ठीक है। अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो ई डी एस cos theta आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा क्या है 0 degree है, ठीक है, थीटा क्या है 0 degree है, तो आगे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू दैट स्मॉल एरिया डी एस इज डी फाई इक्वल टू ई डी एस cos theta, कि cos theta हो गया 0, तो cos 0 के लिए होती है 1, तो द फ्लक्स कितना आ गया डी फाई इज इक्वल टू आ गया ए इंटू टी। तो जो फ्लक्स आया है ये डी फाई ये क्या है सिर्फ इतने छोटे से एरिया के लिए आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है पूरे स्फीयर के लिए निकालना है, तो मैं छोटी से अगर कभी कोई चीज बड़ी करता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे नेट फ्लक्स, सो नेट फ्लक्स इज दैट इज फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एस, तो ये करो तो डी फाई हो गया नेट फ्लक्स, इसलिए वैल्यू रखो E into ds, ठीक है। अब E क्या है एक एक मैग्नीट्यूड है, तो E बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा दैट इज ds। देखिए मतलब phi का मतलब क्या आ जाएगा आपका E into that to that area, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं एरिया लिख के, आप क्या है ये क्या है एक स्पेयर है, तो क्या लिख सकते हैं आप टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर या टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 4πr², ठीक है। जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 4πr², तो यहां पे जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr². अब ई फाई की वैल्यू क्या है ई इंटू 4πr², ठीक है। ई की वैल्यू अभी निकाल के मैंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गेन से, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं के की वैल्यू पुट कर दूं, तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε₀, इसकी वैल्यू है के की वैल्यू क्या है 1/4πε₀ इंटू क्यू इंटू यहां से क्या बचा है 4π, 4π से 4π क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जो नेट फ्लक्स बचेगा That is phi e, that is equals to क्या बच गया q upon epsilon
तो यहां पे ये क्या हो गया, कि इसका मतलब क्या है कि q चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जो होगा वो बाहर जो निकलेगा वो क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम के बाद एक और चीज हमारे पास कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कूलम्स लॉ। तो देखिए प्लस q चार्ज का एक सरफेस से इसको क्या किया, इंक्लोज किया गया है, ठीक है। इस सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसका सरफेस एरिया कितना है s, ये प्लस q चार्ज, प्लस q चार्ज, ठीक है। तो सपोज अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज तरफ होगी, इसका मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया, ये वाला एरिया दैट इज ds, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल इस एरिया से, ये है मेरे पास एरिया थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी r, मतलब जो रेडियस है इस सरफेस की वो क्या होगी r होगी। हियर दिस इज ds, सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड e इज सेम, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया ds और e की क्या है, e इज पैरेलल टू ds, मींस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो द फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ds, ds की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल, दैट इज d phi, और वो क्या होगा e, क्या e ds cos थीटा। अब e डॉट ds होगा, ठीक है, उसको मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कि e ds cos थीटा, थीटा क्या है 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो d phi क्या बच गया आपका, ये क्या बच गया e ds, ठीक है। अब क्या करूं मैं, नेट फ्लक्स निकालूं, तो नेट फ्लक्स दैट phi इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर दूं इसका क्लोज्ड, e इनटू ds, e बाहर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मतलब e इनटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का जो टोटल एरिया होगा क्या होगा, phi इज इक्वल्स टू e into 4 pi r square, क्या आ गया मेरे पास plus phi e is equals to e into 4 pi r square, इसको मैंने बोल दिया equation number 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, phi is equals to e into 4 pi r square, ठीक है। यहाँ पे लेके आता हूँ इसको मैं by Gauss theorem, by Gauss theorem, क्या कहता है Gauss theorem, जो total flux होता है that is equals to q upon 4 pi epsilon naught, ये वैल्यू phi की कहां रख दूं, इक्वेशन 1 में, putting in equation 1, phi की जगह क्या रखते हैं q upon epsilon naught, तो q upon epsilon naught that is equals to a into 4 pi r square, यहां से e निकाल दो, e क्या आ जाएगा, e is equals to, ये कहां से जाएगा, upon में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 upon या q upon 4 pi r, that is ये क्या लेगा 4 pi epsilon naught r, ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, इसकी वैल्यू क्या होती है k के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा k q upon r, ठीक। अभी जो मैंने एक सरफेस माना था ये s, यहाँ पे था प्लस q चार्ज, ठीक। तो इसी सरफेस की वजह से के अंदर मैंने एक यहां पर क्या रख दिया, सपोज कहीं पे भी रख दिया, यहां पे रखा, मैं बोलता हूं यहां पे मैंने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया q नॉट, ठीक है। ये एक है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी सरफेस में मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया q नॉट, तो दोनों के बीच क्या रहेगा, एक फोर्स रहेगा, ठीक है। सो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, कितना फोर्स रखता है, फोर्स इज इक्वल्स टू e इज इक्वल्स टू f / q नॉट होता है, तो यहां पे फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, That is Q naught into E. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, उस Gaussian surface के अंदर किसी भी point में क्या कर दिया, एक test charge रख दिया, जिसमें charge कितना है Q naught. Q naught की वजह से इस plus Q charge में क्या लगेगा, इसकी वजह से इसमें क्या लगेगा, एक force लगेगा. वो force कितना होगा? That F is equals to Q naught into E. और E की value क्या है? Q naught into K Q upon R square. ठीक है? यह क्या हो जाएगा? तो
एफ यहां से निकालो तो एफ क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, क्या आ गया, एफ फोर्स इज इक्वल टू के फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, सो हियर एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो हमने क्या किया, गॉस थ्योरम को यूज किया और गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या प्रूव किया, कूलम्स लॉ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम नई वीडियो के साथ लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।